हिमाचल में पिछले 8 दिन से चल रही 108 एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में 17 राज्यों के कर्मचारी आ गए हैं और हिमाचल में एम्बुलेंस कर्मियों की मांगें पूरी न होने पर देश भर में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। सभी राज्यों में कर्मी कंपनी की मनमानी रोकने की मनाक करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय सचिव पूरण चंद ने कहा कि सभी राज्यों के एम्बुलेंस के कर्मचारी हिमाचल के कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं और अब देश भर में समान काम का समान वेतन मिले, इसको लेकर अब देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों के अधिकारियों को पत्र देकर हड़ताल शुरू की जा रही है। पूरण चंद का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर 2 दिन का समय मांगों को पूरा करने का दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया और अब पीएम को पत्र लिखा जा रहा है और इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा जा रहा है, अन्यथा देश भर में कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। कि ये लड़ाई अब हिमाचल की लड़ाई नहीं रही है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि NHM के अंडर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, अब हम लोगों ने जो है पूरे भारतवर्ष में ये फैसला लिया है कि पूरे भारतवर्ष में समान काम का समान वेतन मिले और जितने भी 108, 102, 106 जो भी एम्बुलेंसेज उसके NHM के अंडर चलती है उनका जो है वो सरकार NHM के अंदर जो है चलाए। जो हरियाणा में पॉलिसी बनी है वो सभी कर्मचारियों के लिए बने, ये हमारी डिमांड है। और जो हिमाचल का मुद्दा है इसके विषय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हुआ है और उसके 2 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम समय दिया था कि 2 दिन में आप निपटारा करें, मगर उनकी तरफ से अभी तक कोई हमारे ये कुछ नहीं मिला है। और इसके बाद जो है आज जो है पूरे भारतवर्ष में जो है आज हम पत्र जारी कर रहे हैं ताकि जितने भी हमारे राज्य हैं जहाँ जहाँ भी 17 स्टेटों में जो है एम्बुलेंस चल रही है, 17 के 17 स्टेटों में जो है हमारे जितने भी अधिकारी है स्टेट के, वो सभी जो है अपने MD को जो है लिख के दें ताकि हड़ताल जो है पूरे हिंदुस्तान में हो सके। ये हमारा जो है आज डिमांड नोट जो है आज हम भेज रहे हैं ताकि, और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखित में भेज रहे हैं कि ये डिमांडें पूरी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हिमाचल की सबसे बड़ी डिमांड है समान काम का समान वेतन और स्थायी नौकरी, सबसे बड़ा काम जो है स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए और जो हमारे निकाले हुए कर्मचारी है उनको जो है तुरंत रखा जाए क्योंकि उन्होंने जो है सरकार के खर्चे पे जो है ट्रेनिंग की हुई है, आप सरकार का पैसा जो है दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।